पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, छात्र नए पैटर्न का कर रहे हैं विरोध। यूपी में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग ने 22 जगहों पर की छापेमारी, लखनऊ कानपुर समेत दिल्ली में ये रेड चल रही है। झारखंड के दुमका पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन, अंकिता के परिवार से मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे कर रहे हैं मुलाकात। दुमका के अंकिता मर्डर केस पर बड़ा खुलासा, हत्या के आरोपियों के आतंकी कनेक्शन का शक, बांग्लादेशी आतंकी ग्रुप से संपर्क की जांच। सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच तेज, गोवा पुलिस ने हिसार पहुंचकर परिजनों के बयान किए दर्ज, गुरुग्राम के फ्लैट की भी होगी जांच। सोनाली फोगाट मौत मामले में एक और गिरफ्तारी, हरियाणा पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो किया अरेस्ट, फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज चोरी का आरोप। ताजमहल का नाम बदलकर तेजोमहल करने की मांग, थोड़ी देर में आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पर होगी चर्चा, बीजेपी पार्षद शोभा राम राठौर ने प्रस्ताव रखा। असम के बोंगाई गांव में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद ये कार्रवाई हुई। यूपी में फिर चला बुलडोजर, लखनऊ में नगर निगम ने समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर अवैध दुकानों को तोड़ा, नोटिस के बावजूद नहीं हटा रहे थे अतिक्रमण। बिहार के दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, पटना में नीतीश कुमार से की मुलाकात। दिल्ली में खुलेगा देश का पहला वर्चुअल स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा सभी बच्चों तक पहुंचानी है अच्छी शिक्षा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर छिड़ा सियासी संग्राम, स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता, गौरव भाटिया की सौरभ भारद्वाज के साथ हुई तीखी बहस। आम आदमी पार्टी के 20 करोड़ ऑफर वाले आरोप पर बीजेपी का पलटवार, मनोज तिवारी ने कहा किस नंबर से आया फोन बताएं, जांच के लिए एलजी को पत्र लिखा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा मतदाता सूची के बिना स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। बिहार में विवाद के बाद नीतीश कुमार ने कार्तिक सिंह को वापस, उनसे कानून मंत्रालय वापस ले लिया है, गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अपहरण केस को लेकर विवादों में आए थे कार्तिक सिंह। यूपी में माफिया अतीक अहमद पर पुलिस का एक्शन जारी, लखनऊ में करोड़ों की दो संपत्तियां होंगी जब्त। सिद्धू मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, कहा सुरक्षा में कटौती के बाद रची हत्या की साजिश, गैंगस्टर गोल्डी भराड़ हत्याकांड का मास्टरमाइंड। रांची में नौकरानी को बंधक बनाकर टॉर्चर करने वाली सीमा पात्रा को कोर्ट ने 12 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया, बीजेपी ने भी सीमा पात्रा को पार्टी से निकाल दिया है। यूपी के इटावा में यमुना और चंबल नदी का कहर, 35 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। वाराणसी में गंगा नदी के उफान में डूबे कई इलाके, घरों में पानी भरने से लोग परेशान, गलियों में चल रही नाव, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना के रौद्र रूप से हाहाकार है, राजापुर सलोरी समेत कई इलाकों में भरा पानी, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जबरदस्त बारिश से कई जगह पानी से भर गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से हालात बेकाबू, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोग परेशान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से गिरा 2 मंजिला घर, हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है, सुबह से पांडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। गणेश चतुर्थी पर राष्ट्रपति और पीएम ने पूरे देश को बधाई दी। लोन देने वाले
आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।